लेने आए सबको होली के लिए। सुबह का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है और ये अभी सबसे पहला पानी है जो कि हम पियेंगे। जस्ट थोड़ा टाइम हुआ उठ के और ये हमने जो पाउडर बनाया है वेट लॉस के लिए वो लेके गर्म पानी हमने लिया और आ गए हम किचन में। आज बन रहा है नेनुआ। अभी इसको बहुत लोग अलग अलग भाषा में बोलते हैं लेकिन मुझे तो नेनुआ ही आता है। कोई शिरला, कोई घेवड़ा, कुछ तो ऐसे बोलते हैं, बट हम लोग गांव से अपने यही जानते हैं कि इसको नेनुआ बोलते हैं। और जब भी मैं नेनुआ बनाती हूँ तो ज़्यादातर मैं चना डाल के ही बनाती हूँ, आलू नहीं डालती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं सब्ज़ी में ज़्यादा आलू यूज़ नहीं करती हूँ, अलग सब्ज़ी अलग, सिर्फ आलू बनाना है वो अलग चीज़ है। और ये हमारा रोटी देख सकते हैं आप, कितना फुगा फुगा कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं रोटी बहुत अच्छा बनाती हूँ ऐसा मैं बोल रही हूँ, कोई और नहीं। तो हमारा रोटी बन रहा है और ये होली का सुबह आज है। तो ये लोग कब से सब जगह, सब वहाँ टेरेस पे, बालकनी में, बाथरूम में इतना सारा कलर इन लोगों ने मिलाया बकेट में। और वो इन लोगों का जो पिचकारी पीछे वाला आया है बड़ा वाला, उसमें भरने के लिए इतना ज़्यादा इन लोगों ने पूरा रेड रेड ग्रीन ग्रीन बाथरूम में तो पूरा ग्रीन कर दिया। ये तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे है तो ये निकल जाएगा। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतिभा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में प्रतिभा की रियल दुनिया। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स आज है तो अभी सोच रही हूँ मैं, और पूरा बादल कल से ही हल्का फुल्का बारिश और इतना आंधी तूफान, तो अभी मैं जा रही हूँ और मैंने बहुत सारा तेल छपोड़ लिया है। तो आप सभी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तीनों जाएंगे होली खेलने बट हस्बैंड नहीं जाएंगे, वो घर पे रहेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए नीचे फिर मिलते हैं। जल्दी आओ, अच्छा बैठे लेने आए हैं सबको होली के लिए।
ना लगेला हैप्पी होली मम्मी तो मम्मी तो दिखती नहीं है अभी इधर ही है हैप्पी होली इधर छोटे वाले ये वाले ये वाले आप चलिए आगे काफी देर बजा रहे हैं ना पानी ने अगले कोरोना चले दे चलिए हैप्पी होली ये तो काफी वाला हैप्पी होली लाओ लाओ तू लाओ ना ठीक है ठीक है हम तो शेयरिंग नहीं है अच्छा हैप्पी होली रजनी आ जा बाहर हैप्पी होली हैप्पी होली दीदी दीदी हैप्पी होली आजा तेरे को लाइन लगा ए पानी मत पानी पानी का मारे ये वो गरम लेके आए बच्चे के लिए बच्चे लोग यही अंदर आए पानी का मारे हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली दीदू अभी पकड़ो मेघा लगाओगे यही गई है हैप्पी होली देखो आज यही लोग लग रहे हैं होली में बाथरूम वगैरह हाँ चलो गाती है ना गाना तो ऊपर ऐसे कभी मूड होता है हाँ आवाज बहुत अच्छा है इसका हाँ मत सिंगर है सही हाँ अरे थैंक यू दीदी ये सब कुछ मैं वही सोच रही थी ऐसा कौन सिंगर है जो दीदी ने कहा चलो बाय 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 हो पाएंगे क्या Thank you.
हम सब आ गए होली खेल के। आप देख सकते हैं हम लोग बड़े बदले बदले लग रहे हैं। बहुत मजा आया होली खेल के। मम्मी और नियति तो कुछ ज्यादा ही बदली लग रही है, क्योंकि वो लोग गोरे हैं ना। मैं काला हूँ तो मेरे ऊपर असर नहीं होता, बस थोड़ा बाल पे। लड़ो अपना हाथ दिखाओ। थोड़ा थोड़ा है, बहुत घस घस के निकाला, फिर जाके थोड़ा थोड़ा ही रह गया है, इतना नहीं है। लेकिन यहाँ पक्के कलर से बहुत लोगों ने नहीं खेला, सिर्फ वो जो पाउडर अबीर था उसी से खेला। लेकिन हमारे गांव में जो पक्का वाला कलर रहता है उसको पूरा एकदम सूखा ऐसा हल्का पानी लगा के फिर रगड़ते हैं, वो तो हफ्तों 10 दिन तक नहीं निकलते हैं। लेकिन यहाँ का होली तो अलग था। यहाँ मैं अभी जहाँ पे हम लोग अभी रहते हैं वहाँ भी मैं फर्स्ट टाइम गई नीचे खेलने। टैंकर का पानी आया था, पूरे सोसाइटी के लोग थे, बहुत मज़ा आया। गाना था, डांस किया, तो मज़ा तो आया। लेकिन अभी यहाँ का ज़्यादा अच्छा था कि वहाँ का, गांव का कि यहाँ गांव का। आज पहली बार मुझे दोपहर में मन किया सोने का। आज क्या पानी जो होता है ना वो बहुत हैवी होता है। आप कब आए नीचे, कितने बजे आए? माँ कितने बजे आई आप? वही तो फ्रेंड्स, हम सब आए ऊपर और चाय पानी भी हुआ। हमारा दूध वगैरह बॉईल करना था जो कि सुबह का फ्रीजर में था, उसको बॉईल किए, चाय बनाए, हम सब चाय पिए। आज बच्चों को भी चाय दिया क्योंकि सब लोग पानी में बहुत भींगे थे, तो बीमार होने का डर है, इसके वजह से अदरक वाला चाय इन लोगों को भी दिया। इसके बाद मुझे थोड़ा सा बिस्तर का काम करना है, जो कि मैं फ्री बैठना पसंद नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ काम रहना चाहिए, चाहे वो वीडियोज़ का काम हो चाहे जो भी हो। तो यहाँ पे जो पुराने ब्लैंकेट हो जाते हैं, जैसे पुराने मीन्स थोड़े दिन अगर आप ओढ़िए उसको, इसके बाद रफ होने लगते हैं, तो उसमें अगर कॉटन की जैसे पुरानी साड़ी भी अगर लगा देते हैं, चलो ऐसे हम लोग मतलब यूज़ करते हैं, मुझे पसंद है। तो अभी कोई कोई देखेगा तो बोलेगा अरे इतना अच्छा ब्लैंकेट है, इतना अच्छा कलर है, तो इसमें ये पुरानी साड़ी नहीं, जो अपने शरीर को कष्ट नहीं दे वही कपड़ा पहनना चाहिए, जो अपने पैर को कष्ट नहीं दे वही चप्पल पहनना चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा करना चाहिए। तो मुझे वो लगाना है, तो आज उसको पूरा सेट करके रखना है, और मशीन भी आज हमने निकाल के क्लीन किया है, करना है मीन्स मशीन का वो काम, अभी उसमें काफ़ी टाइम जाएगा, उस वजह से हिम्मत नहीं हो रहा है कि कैसे मैं उसको ठीक करूं क्या करूं, बट करना पड़ेगा। बहुत दिन से मशीन रखा है, टाइम नहीं मिलता, उसकी वजह से हम यूज़ नहीं कर पाते, तो पूरा जाम हो गया है, उसको क्लीन करना है। तो फ्रेंड्स बस उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।